प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ोतरी से परेशान छात्रों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज से जुड़े छात्र प्रदर्शन में शामिल रहे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हर साल फीस बढ़ जाती है, जिसके चलते बीकानेर मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नाम का ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि पिछले साल सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फीस में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो कि पूर्व निर्धारित फीस से लगभग 14 से 15 गुना अधिक है। इस फीस में हर साल 10% बढ़ोतरी की जा रही है, जो कि छात्र छात्राओं के लिए कतई न्यायोचित नहीं है। मेडिकल कॉलेज है, उनकी जो फीस थी 2017 तक वो 5,000 रुपये मिलाकर थी, हॉस्टल और जो मेडिकल कॉलेज है उसकी फीस, जो उसके बाद 2017 में BJP गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिए और अब हर साल वो 10% बढ़ रही है। हमारी मांग ये है कि उसको जो वृद्धि है और जो फीस कम हुई है उसको रोका जाए, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों हैं उनके अंदर जो NRI सीटें की जा रही हैं कि 15% जो भी सीट बढ़ेंगे उनके NRI की सीटें की जा रही हैं उनको रोका जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेहनत से करके बच्चे आते हैं और उनकी जो फीस है वो भर पाना बहुत मुश्किल होता है। गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, उनके साथ जो रईस जो लोग हैं उनकी फंडा बहुत गलत है। इसके लिए सोसाइटी मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, उनके अंदर आप NRI सीटें पहले से हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बिल्कुल भी NRI सीटें नहीं चलेंगी, और जो ये फीस है इसको कम किया जाए तुरंत प्रभाव से। हम धरना देंगे हर मेडिकल कॉलेज में, आज हर मेडिकल राजस्थान जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है हर कॉलेज से अपने उनके डीन और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो हम कॉलेज के आगे धरना देंगे। पूरे राजस्थान में हर मेडिकल कॉलेज, हर मेडिकल कॉलेज से आज कलेक्टर और कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद हम आगे की करेंगे। छात्रों ने बताया कि राज्यों की मेडिकल कॉलेजों में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें प्रतिवर्ष फीस में 10% वृद्धि हो। ऐसे में ग्रामीण अंचल से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए इस बढ़ोतरी फीस में पढ़ाई करना मुश्किल है। छात्रों ने फीस कम करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज छात्रों ने चिकित्सा मंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है और फीस कम करने की मांग की है। इसके साथ ही छात्रों ने ये भी चेताया है कि अगर फीस कम नहीं की गई तो छात्र कॉलेज के आगे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ जाएंगे। न्यूज़ डेस्क।